अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब। आप देख रहे हैं फोन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो है और आज हम निकालने जा रहे हैं थ्रोन जेंटो ब्लैक कलर में। रैक्सीमैक्स कंपनी है जी, है तो ये न्यू कंपनी, अभी 2015 में कायम हुई है। तुर्की की कंपनी है लेकिन अच्छी है। इसके जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी के ये प्रोडक्ट बना रही है। तो बहुत कम अरसे में इसने नाम बनाया है दुनिया में। तकरीबन ये दुनिया के 60 ममालिक में अपने प्रोडक्ट भेज रही है, तो वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आज की एयरगन को निकालते हैं। कुछ फीचर रह गए थे रैक्सीमैक्स थ्रोन जेन 2 FDE के, वो फीचर भी मैं आपको बताता हूँ। और इसकी प्राइस बिल्कुल प्राइस बताना रह गई थी, तो वो दो, उसकी जो प्राइस है वो दो है, 2 लाख, और ये 5000 रुपये कम है ब्लैक कलर में। तो जी इसी के साथ, इसके साथ भी वही सामान है। एक आपको एक कैब मिलती है रैक्सीमैक्स की तरफ से, ये गिफ्ट है उनकी तरफ से आपके लिए। और ऊपर है जी सप्रेसर, हालांकि इसके अंदर इंटीग्रेटेड सप्रेसिंग सिस्टम है लेकिन फिर भी ये सप्रेसर भी दिया जाता है और लाइट वेट है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। ये मैं दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में। और इसके अलावा वही सामान है इसके साथ, क्विक कनेक्टर है, इसके जो है फोस्टर मेल कनेक्टर है और ये फीमेल है। सिंगल साइड ट्रे है, दो मैगजीन है, कुछ चैलेंज कीज़ हैं और वगैरह वगैरह। अच्छा, खूबसूरत है ये कलर भी, बहुत खूबसूरत लगता है। वो तो है ही, एक न्यू कलर है, तो ये ब्लैक में भी, ब्लैक की भी अपनी एक ग्रेस है, जबकि वो जो न्यू कलर है उसमें भी ले सकते हैं आप। ब्लैक जो पसंद करते हैं वो ब्लैक में ले सकते हैं। ये जी रैक्सीमैक्स थ्रोन जेन 2 एडजस्टेबल इसका बट पैड है, इसका भी आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, हैमर की टेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। ये है व्हील है और ये MP है, दोनों साइडों से आप कर सकते हैं, इस तरफ से भी घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं। जो नंबरिंग है या जो डॉट्स हैं वो एक साइड पे हैं। रैक्सीमैक्स का ये लोगो है जी। ये पावर व्हील है, इसके ट्रांसफर पॉट से भी पावर इसकी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा जी, इसका कैलिपर भी चेंज कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ से। इसकी जो पैलेट प्रॉब है वो भी खोल के 2.2 में, 2.5 में या 1.7 लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, इसकी बैरल आराम से निकल जाती है। ये जो स्क्रू है यहाँ से आसानी से इसको खोल के आप इसकी बैरल निकाल सकते हैं, लेकिन शट आउट पहले उतारना पड़ेगा। ये जी प्री चैम्बर लिखा हुआ है, ये प्लेनम है, प्लेनम का साइज़ बड़ा है, 18 cc है। कंपनी के स्पेक्स पढ़ें तो उसमें 18 cc लिखा हुआ है, अच्छा खासा 80 खासी पावर है। 100 cc 100 bar पे सेट है रेगुलेटर, फिर भी ये दावा करते हैं कि ये 900 FPS दे सकती है, यहाँ तक सेट होने के बावजूद भी। इंशाल्लाह इसका फुल रिव्यू बनाएंगे तो चेक करेंगे। पिस्टल ग्रिप है जी, AR स्टाइल की अच्छी है जी। और मैनुअल सेफ्टी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ट्रिगर गार्ड में ही लगा दी गई है। और इसका जो ट्रिगर है वो फुली एडजस्टेबल है, 4-way एडजस्टमेंट है इसकी। इसकी ये जो है ग्रिप, इसको ऊपर नीचे इधर उधर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। रेगुलेटर की एडजस्टमेंट बाहर से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी एहतियात है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके हवा के भरे हुए आप रेगुलेटर को नहीं छेड़ेंगे। साइड लीवर गन है और लीवर भी MP है। लीवर इस तरफ जो है राइट साइड पे है, आप इसको लेफ्ट साइड पे भी घुमा सकते हैं, यहाँ से आप खोलेंगे तो लीवर को यहाँ इस तरफ भी आप फिट कर सकते हैं। ये जी फोस्टर फिलिंग कनेक्टर है मेल, इसके साथ फीमेल भी आया है। नीचे 22 mm की पिकेटिंग रेल है जिस पर आप
बाइपॉड लगा सकते हैं। 425 सीसी की सिलेंडर है, इसको आप उतार भी सकते हैं, ये रिमूवेबल है, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। ऊपर दोनों रेलें दी गई हैं जी, 22 mm की और 11 mm की रेल भी है, और पिकाटिनी वीवर रेल है। सप्रेसिंग सिस्टम अंदर दिया गया है, इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा 1/2 inch UNF थ्रेड भी दिया गया है, अगर आप एक्स्ट्रा कोई लगाना चाहें। इसके साथ अपना सप्रेसर भी आया है अलग से, तो डबल सिस्टम हो जाएगा, एक अंदर है और एक आगे आप लगा देंगे तो हवा तो आवाज़ तो बिल्कुल ही इसकी बंद हो जाएगी जी। दोस्तों खूबसूरत एयरगन है, फीचर भी इसके कमाल के हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि इसके रेगुलेटर को कैसे आप एडजस्ट करेंगे। एक्सटर्नली जो एडजस्टमेंट होती है वो बाज़ औक़ात मसला भी पैदा करती है नए बंदे के लिए, बंदा उठाता है हल्की और उसको छेड़ना शुरू कर देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका रेगुलेटर का प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं हवा के होते हुए, कम नहीं कर सकते, अगेंस्ट प्रेशर आप नहीं जाएंगे। जब भी अगेंस्ट प्रेशर आप इसको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो रेगुलेटर को आप डैमेज कर देंगे, वो ख़राब हो जाएगा। तो रेगुलेटर एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाई है, इसकी बेहमुत की भी और लेवियाथन की भी तकरीबन वही सेम इसका प्रोसीजर है। पहले आप इसकी हवा निकालेंगे, उसकी हम हवा निकालते थे, लेकिन इसका जो इसकी जो बोतल है वो रिमूवेबल है, तो आप आसानी से इसको भरे भरे हवा के होते हुए, ये जी हवा के होते हुए भी आप इसको उतार सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर वेल्व सिस्टम है, बोतल के अंदर अपना अलग वेल्व लगा हुआ है, तो ये बोतल आप निकाल देंगे, हवा इसके अंदर है। उसके बाद भी आप इसके ड्राई शॉट लेंगे, क्योंकि इसका जो प्लेनम है बड़ा है, इसके अंदर काफ़ी एयर जमा होती है जी। ये दो फुल शॉटें मिली हैं, ये भी अब ये डाउन हुआ है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब छेलने से पहले फिर भी आप मेक श्योर करेंगे कि दोनों जो गेजे हैं वो ज़ीरो पे हैं, टक अब ये खाली आवाज़ आई है, तो अब इसका प्लेना भी खाली है, अब आप इसको छेड़ सकते हैं। ऊपर करेंगे इसको तो ये बंद हो जाएगा, तो अगर आपने बंद करना है तो बेहतर यही है कि इसको एक बार फुल बंद कर दें, फिर इसकी बोतल लगाएं और ऐसा ऐसा इसको खोलते जाएं जहां तक आप की रिक्वायरमेंट है। बैरल भी आप चेंज कर सकते हैं, कैलिपर आप चेंज कर सकते हैं, ये 2.2 में है, आप 1.77 में लेना चाहें ले सकते हैं, 0.25 में लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। बैरल एक गन है आपके पास, ये 2.2 में है, आप छोटे कैलिबर में इसको चलाना चाहते हैं तो वो बैरल आप ले लें, और पैलेट प्रॉब, दो चीज़ें सिर्फ आपको लेनी होगी, और ये भी आसानी से मिल जाएंगी मुस्तकबिल में। शाज़े फ़हीम भाई शूटर डेंस वाले www.shootersdensstore.com पे हर चीज़ अवेलेबल है। हमारी भी वेबसाइट इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगी कुछ दिनों में, कुछ मसला है उसमें, तो www.forhuntersp.com पे भी जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, फ़िलहाल वो नहीं चल रही, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी फंक्शनल हो जाएगी। बिल्कुल ये श्राउड निकालेंगे, श्राउड के अंदर अपने बैफल्स हैं, ये स्प्रिंग है जो कि उसको दबा के रखता है। अच्छा जी, ये स्क्रू आप खोलेंगे, थोड़ा ढीला करेंगे, पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो बैरल को आप आसानी से निकाल लेंगे। सॉलिड बैरल है, ऐसा नहीं है कि बैरल कमज़ोर हो, स्टील बैरल है और ग्रूव्ड रैफल्ड बैरल है। अब इसका रैफलिंग कितनी है और देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या ये स्लग भी चला सकती है। तो बैरल इसकी पैमाइश हमने पहले भी की है, बिल्कुल जी 23 inch की बैरल है मुकम्मल, तो ये कोई
आधे इंच से भी थोड़ा हिस्सा वो चला जाता है ट्रांसफ़र पोर्ट वगैरह वगैरह, तो 22.5 इंच बैरल रह जाती है, अच्छी खासी बैरल है जी। बाकी इसकी क्वालिटी प्रीमियम मुझे लगी है, फिनिशिंग इसकी, इसका जो मटेरियल है एल्युमिनियम है, फिनिशिंग इसकी कमाल की है। मैंने एफएक्स इंपैक्ट भी चलाई है, देखी है, तो उससे मुझे कम नहीं लग रही। बाकी आप खुद देखेंगे, आपको महसूस होगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा जी, ये जो है पिस्टल ग्रिप और ये हिस्सा पीछे चला जाता है, ये प्लास्टिक है सिंथेटिक, ये हिस्सा ऊपर जो ये ग्रिप दी गई है ये भी सिंथेटिक है, प्लास्टिक है। इसके नीचे बैरल जाएगी और इसके अंदर ये है इसका पी चैम्बर लिखा हुआ है, प्लेनम है। इंशाल्लाह जी बहुत जल्द और भी वीडियो आने वाली हैं, इन रेक्समैक्स के और भी मॉडल हैं, रेक्समैक्स जून FTE है, रेक्समैक्स जून है ब्लैक और डे स्टार है, इसके अलावा इस कंपनी के और भी मॉडल हैं, RPA वो पिस्टल, RPA और भी काफ़ी सारे मॉडल हैं, वो भी मुस्तकबिल में आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इनका इनके अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ये हमारे पास हैं, तो इंशाल्लाह इनके रिव्यू भी आएंगे, रिव्यू करेंगे कि ये परफेल में हमें कितने शॉट्स दे सकती है और इसकी एक्यूरेसी कैसी है, और सलाक के साथ भी इसको आजमाएंगे। ये थी आज की वीडियो, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।